तो यहाँ पर पायल ने भैया कंबल शंबल सब ले लिए। तो भाई यहीं से हम अपनी कैरावैन को कर रहे हैं बाय बाय। पति देव सोए नहीं है भाई, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ऐसे मत करो गुस्सा। सरकार को ना इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए यार। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। हाँ सी गाइस, होम टूर दे ही देता हूँ कि मैं कहाँ सोता था, मम्मी पापा कहाँ रहते थे और इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मुंह से ज्यादा नाक दिख रही है तेरी, छोटी नाक है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी हम जा रहे हैं हांसी, क्योंकि हमें देना है भाभी को और गोलू को सरप्राइज कि हम लोग आ रहे हैं न्यू ईयर विश करने उनको। तो वाइस गोलू के साथ सीन हो गया, गोलू रेडी होके आई थी और मैंने बोला तू घर रह, तू कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ना आज पूरे दिन से सोई भी नहीं है और बच्चों के पास कोई नहीं है। हाँ। इसकी नींद भी पूरी जरूरी है ना, आंखों से दिख जाता है इसकी, इसकी नींद पूरी नहीं है। चल भाई सो जा, चल तू सो जा, हमें जाना आना करना है। ठीक है, कौन है ऐसा दुनिया में मैं हूँ जो पूरे दिन आज मैंने मेकअप नहीं करा, अभी मैंने मेकअप करा क्योंकि ना इनको मेरी आंखों से पता चलता है, तो मैंने ना बहुत सारा कंसीलर लगाया टाट का। मैंने कहा मैं मेकअप करके जाऊंगी ना तो ये कहेंगे अच्छा वो आप तो फ्रेश दिख रही है, उन्होंने तब भी पहचान लिया कि नहीं तेरी नींद पूरी नहीं हुई। चल जा बेटा, चल तू सो जा और हम जाते हैं। चल ठीक है, विश कर दूं मेरी तरफ से। तो भैया यहाँ पर बच्चे फुल जोरों शोरों से खेल रहे हैं और रात का टाइम दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ। ये देखो 11 बज गए हैं, 11 बजे खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये 12 साढ़े 12 तक सोते हैं। अच्छा, इसलिए ये लेट तक खेलते हैं। आ जाओ, देखते कौन जल्दी आएगा। दिखाओ कौन जल्दी आएगा। हाँ दिखाओ। ये आया, अनु जीत गया। आओ जैदू, आप भी आओ बच्चा, आओ सोना बाबू तुम भी आओ। आ गया भाई। अरे तू किचन में क्यों जा रहा है बेटे? तो यहाँ पर पायल ने भैया कंबल शंबल सब ले लिए क्योंकि ना हम सोच रहे कैरावैन में चले जाए, पर पायल कह रही है फॉर्च्यूनर में चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ, कैरावैन में टाइम लगेगा पहुँचने में, फॉर्च्यूनर में हम जाएंगे और आएंगे। और ये गोवा वाला टूर कब से कर रहे हैं मैम? ये सर अभी लेट मी चेक माई शेड्यूल, इफ आई हैव एनी अपॉइंटमेंट एनी इवेंट देन आई। क्या बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है? यस, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ओफो, शी इज। तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, हमारी कैरावैन पवन भाई पूरे आराम में है, 24 घंटे पूरा आराम किया पवन भाई तुमने। अच्छा लाल भाई एक बात बताओ, अभी हमें जाना हांसी, तो हांसी में इस टाइम धुंध ज्यादा होगी, हम इससे चले या फॉर्च्यूनर से चले, ये बताओ। नहीं आप बताओ, वैसे हम तो तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ ना मेरे भाई। तो मैडम क्या सोचा, कैरावैन या फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर में चलते हैं। पक्का? तो पवन भाई आप आराम करो, लाल भाई। हाँ लाल भाई, सॉरी, तो पवन पुत्र भी तो होता है, रात को धुंध में गाड़ी चलाने वाला पहलवान होता है। और पवन पुत्र को देखो सिंदूर का तिलक भी लगता है, है ना। तो भाई यहीं से हम अपनी कैरावैन को कर रहे हैं बाय बाय और हम जा रहे हैं फॉर्च्यूनर में। बैठते ठंड लगने लगी, ठंड तो है बाबू, बहुत ठंड है और इस बार तो मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है गुड्डू। पिछले साल इतनी ठंड नहीं लगी जब मैं, हमेशा यही होता है जब भी ठंड या गर्मी आते ना, हम कहते हैं इस बार तो बहुत गर्मी है, इस बार तो बहुत ठंड है। नहीं पिछली बार मैं प्रेगनेंट मुझे इतनी ठंड नहीं लगती थी। अच्छा, और इस बार जो है ना मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। क्या था ना, जब तू प्रेग्नेंट थी ना, अयान टूबा ले लेते थे तेरी ठंड अंदर से। हाँ ये बात है, अब तुझे सारा खुद करना पड़ रहा है, खुद संभालना पड़ रहा है। अच्छा आज का जो व्लॉग है ना वो पायल के नए फोन से बन रहा है भाई। हाँ हाँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे नए साल पे नया गिफ्ट यार मान जी ने, और बहुत लकी हूँ 1TB जी 1TB कि मुझे ऐसा पति मिला। तो गाइस निकलते है ना, मुझे याद आया कि कवर जैसे मेरा लिया है ना, तो शायद इस वाले फोन का भी लिया होगा जो गोलू के लिए लिया है। तो मैंने पूछा गुड्डू से, मैंने कहा गुड्डू इसका कवर? कह रहे हाँ लिया है। मैंने कहा मुझे तो मिला नहीं। कह रहे लिया है बेटा। मैंने कहा मुझे मिला नहीं, मैं ये फोन लेके आई हूँ, अब हम वापस यूटर्न ले रहे हैं और कवर लेंगे पहले घर पे। और ये कह रहे तेरी हरकत है। मैंने कहा जब मैं उठी थी सो के मैंने फोन ऑलरेडी आप लोगों ने, बात बताऊँ आपको मेरा क्या था ना कि मुझे पता था कि बच्चे हैं, पता नहीं कहीं से अरेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ढंग से कवर लेंगे। मैंने ना ये आईफोन से लिया था, कवर भी बहुत अच्छा सा कवर था, 2500 रुपये का कवर था, कि एक बार लगाएंगे गिरेगा पड़ेगा कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से 8 किलोमीटर से यूटर्न करके घर जाना पड़ रहा है कवर के लिए। मेरी कोई गलती नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने फोन भी लिया है, मिठाई भी ली है, बच्चों के लिए सब कुछ जो लेना था वो सब लिया है, और मैंने अब भी पूछ लिया। ये सोचो कि मैं यहाँ से 25-30 किलोमीटर नहीं पहुंची और मैंने पहले ही पूछ लिया, शुक्र है भगवान का। तो भैया फाइनली जो हमारे बच्चे हैं वो कवर ले आए हैं, वापिस गाड़ी मोड़ रहे हैं। 16 किलोमीटर का नुकसान करवाया पायल ने मेरे ऊपर ही। बात मेरे साथ मेरे नहीं होती पायल, तुझे पता जब मैं लेके आऊँ कवर फोन एक साथ होगा, उसमें से निकाला क्यों, क्या चक्कर? मैंने नहीं निकाला, मुझे डिब्बा रखा हुआ मिला, मैंने वो डब्बा इसमें डाल के ले आई। दो आप दो ये लेके आए थे ना, दो कवर थे। तो बस फाइनली ले लिया हमने कवर और निकलते हैं अब हांसी के लिए। बच्चे भी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने फोन तो कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं, पर ये नहीं बताया कि हम ये सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। और मुझे कल सुबह भी फोन आया था भाभी का विश करने के लिए। ये जो हमारी गाड़ी के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है ना, इस पोस्टर की वजह से हमें सब लोग पहचान लेते हैं, सब लोग। तो मैं इनको इतना कह रही हूँ पोस्टर हटा दूँ, कह रहे ठीक है हटा दूँ। तो
मोबाइल को ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा ना भाई। हाँ इसमें ठंड नहीं लग रही है, सूट आपने दिलाया था ना मुझे ट्रैवल के लिए दिलाया था, आज मैंने पहना, मैंने और गोलू दोनों ने। तो अभी हमने ये सोचा था कि ना हम जा तो रहे हैं, रास्ते में धुंध हुई ना दिक्कत हो जाएगी, अगर धुंध हुई ना तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, मैं वापस आ जाऊंगा, सुबह हम निकल जाएंगे। सुबह निकल, भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोलता, मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि धुंध ना मिले। क्योंकि ना मतलब एक चीज मैं शेयर कर देता हूँ, मतलब बहुत टाइम से ना गोलू ना कालू वाला फोन लेके घूम रहा था, और कालू वाला फोन थोड़ा खराब हो गया क्योंकि ना गिर गुर गया है, तो बड़ी पानी के अंदर उन्होंने डुबो दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ख़राब हो गई थी, ढंग से ब्लॉग बन नहीं रहा था। तो आज मैंने उसको फ़ोन किया, मैं हाँ भाई क्या हाल है, तो कह रहा चाचू मैं ठीक हूँ। फिर बेटी से बात हुई, मुस्कान ठीक है, तो कह रहे हाँ चाचू मैं ठीक हूँ। मैंने बोला बता नया साल है क्या चाहिए, कह रहे कि चाचू कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ मांगूंगी दोगे, मैं बोला हाँ बेटा बिल्कुल दूंगा, बता क्या चाहिए तेरे को, मुझसे मिलने आ जाऊँ। मेरे को सुबह फ़ोन आया था उस टाइम, क्योंकि तुम थके हुए थे, मैंने तो उठाया नहीं, मैंने कहा बेटा तेरे चाचू से पूछ के मैं तेरे को बताऊँ। तो फिर मुस्कान मुझे बोली कि चाचू मैं आओगे ना मैं साथ चलूंगी, मेरी छुट्टियां पड़ी हुई है, मैं आपके साथ घूमूंगी थोड़ा सा, मैं ले आता हूँ उसको ना। और एक चीज़ और मैंने सोची है, अभी तक वो कहीं भी नहीं घूमे, तो मैं चाहता हूँ कि एक कैरावैन का टूर मतलब मैं करवा दूँ, या तो शिमला की साइड भेज दूँ, क्योंकि वो शिमला भी नहीं गए कभी, मतलब देखा ही नहीं है बच्चों ने कुछ अब तक। हाँ तो ठीक है, वो घुमाएंगे तब तक हम अपने कर लेंगे। क्या ना जो कुलदीप भाई है ना हमारे, बहुत बढ़िया आदमी है वो, पर ना अपना उसकी नशों में ना ऐसी चीज़ें बस गई हैं कि मैं बता नहीं सकता, मतलब उससे बेहतरीन आदमी दुनिया में है ही नहीं। मेरे बाप के बाद अगर कोई है तो वो है, जिसको मैं मतलब हाथों में रखता हूँ, पर ना उसकी नशों में ऐसे केमिकल घुस गया कि उससे मतलब रहा ही नहीं जाता उन चीज़ों के बिना। आज भाभी ने उसको ना सेंटर भेज ही दिया है। मुझे आपने बताया, मुझे तो नहीं पता था भाभी साहब के पास, मुझे भी नहीं पता था। भाभी बोल रही थी भाई बहुत बीमार सा लग रहा था, मैं वहाँ कुछ हो ना जाए, तो फिर दो तीन दिन पहले भेज दिया। तो गाइस पहली बार ये हुआ है कि मैं ना अभी तक सोई नहीं हूँ, पति देव सोए नहीं है, मैंने कहा ये आज मेरे साथ इधर इस वाली सीट पे है तो इनको नींद नहीं आ रही है, तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सभी से, आप कमेंट करना कि अभी जो हमने ना ऑल इंडिया मतलब बीड़ा उठा रखा टूर का, तो पायल कह रही है अभी रुक जाओ, अभी हमें वृंदावन जाना है, उसके बाद हमें पायल की फ्रेंड है उनके घर जाना है, एक शादी है वो निपटा देते, और उसके बाद अगले महीने से हम ऑल इंडिया का बीड़ा उठाते, फिर हम घर नहीं आएंगे। एक चीज तो भूल ही गए आप, क्या बच्चों की पहली लोहड़ी, हाँ वो भी सेलिब्रेट करनी है। तो घर में इस बार ना बहुत ज्यादा जश्न बनेंगे, बहुत ज़्यादा फंक्शंस होंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको आगे आगे के ब्लॉग्स देखने में, और बहुत इंजॉय करने वाले हैं गाइस, आप सब भी हमारे साथ इंजॉय करना। तो आपको एक काम करना है, आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि मुझे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसी सिटी में फिर हम एक मीटअप रखने वाले हैं, जितने भी ब्लॉगर भाई हमारे सब आएंगे, और अपनी पूरी कैरावैन का मैं एक टूर दिखाना हूँ, वो अपने आप जाएंगे ब्लॉग बना के दिखाएंगे अंदर में ये चीज़ें खुद कर सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलना कौन सी सिटी से स्टार्ट करें और कहाँ पे हमें मीटअप रखें। इसका मतलब ये है जैसे हमने अपना तुलसी फार्म का टूर दिया था, लोगों ने वहाँ आके अपना ब्लॉगिंग चैनल पे पूरा तुलसी फार्म दिखाया था, इनका कहने का मतलब यही है कि आप हमारी कैरावैन को एक्सप्लोर भी कर सकते हो और अपने चैनल पे जो है डिस्क्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस देखो अब थोड़ी थोड़ी आंखें ओहो थोड़ा सा ये रास्ता ना थोड़ा कच्चा बच्चा है, तो अब बस आंखें बंद होने वाली है, लेकिन जो है रास्ता 25 किलोमीटर रह गया बस पहुंचने वाले घर पे, और बहुत तेज तगड़ी भूख लग रही है और हमने कहीं नहीं रुकाया, मैंने कहा भाभी के हाथ का खाना खाएंगे और खाना वाना खा के बच्चों से मिलके फिर हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि गोलू भी घर पे बच्चे भी घर पे हैं। तो भाई अरमान जी ने ना सड़क पे देखे बहुत छोटे छोटे पप्पी, तो उनके गाड़ी आ रही पीछे, इशारे कर दो ताकि वो चढ़ ना जाए गलती से। तो देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको यहाँ से माँ भी है यहाँ पे, ये बहुत वो हो रहा है जहाँ तो माँ के सामने बच्चे ऐसे रोड पे हैं, बेटा मत करो, ये सारे रोड पे अंदर भेजो इनको। यहाँ पे अरमान जी ना इनको अंदर छोड़ रहे हैं देखो, ताकि इनको कुछ ना हो जाए। देखो कितने छोटे छोटे पप्पी हैं, देखो जाओ अंदर जाओ बेटा, ऐसे नहीं निकलते बाहर। हमने दिखा दी ये बाहर निकल रहे, ये रे चार पाँच है, चलो अंदर जाओ जल्दी, अंदर जाओ मम्मा के पास, फिर वापस निकल रहे गुड्डू। अच्छा ये डॉग्स की आवाज़ सुन के बाहर आ रहे हैं, क्या करे फिर इनका, बहुत सारे इकट्ठे हो गए गुड्डू बैठो गाड़ी में, ये एकदम आ गए गुड्डू, ये देखो यहाँ आ गए, इन बच्चों के पास आ रहे गुड्डू, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं मैं इनको अंदर करता हूँ गाड़ी में, आप भी बैठो, बैठ रहा हूँ अंदर कर दे, अंदर कर दे इनको। देखो रोड देखो पूरा सुनसान है, इस साइड भी सुनसान है, मर ना जाए इसलिए हम इनको अंदर बिठा रहे हैं।
भाई तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ऐसे मत करो गुस्सा। बहुत सारे कुत्ते हैं अभी, 25-30 कुत्ते आ गए एकदम। कर दे इसको अंदर, कर दे और। भाई वो कुत्ते आ रहे हैं उस साइड से, बस छोड़ दे, बस छोड़ दे। हाँ बस आराम से यहाँ रह लेंगे। तो अभी मेरे पास ना कोई और गाड़ी नहीं, अगर कोई और गाड़ी होती तो मैं इनको घर ले जाता सबको। सरकार को ना इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए यार। बिल्कुल सोचना चाहिए। देखो ना अब सड़क भी ऐसी तो मर जाते हैं, गाड़ियों के आगे आ जाते हैं। गाड़ी स्पीड में होती है, ब्रेक मारते नहीं है, मारते नहीं है और गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। मतलब हर कोई नहीं मारता, मार भी नहीं सकता भाई, वो सोचेंगे गाड़ी ना पलट जाए। और क्या, क्योंकि भारी भारी वाहन भी होते हैं गुड्डू, और कई कई बार तो शायद इनकी वजह से पलट भी जाते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल पलट जाते हैं, ये लगा धुंध भी होती है ना, दिखते भी नहीं है ना, दिखते भी नहीं है। अब हमें याद है हम वहाँ से आ रहे थे अजमेर से, और कितना धुंध थी, हमें आगे की लाइटें नहीं दिख रही थी। वो तो बहुत ही लगा लो जबरदस्त सफर था, 450 घंटे का। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ हांसी गाइस, और मिलवाती हूँ आपको। वैसे तो आप रोज ही मिलते हो भाभी के व्लॉग में, पर आज हमारे व्लॉग में आपको मिलवाती हूँ। काफी समय हो गया है भाभी से मिले हुए, फोन पे तो लगातार बातें होती ही रहती है, पर देखो एक फिजिकली मिलना भी, अपेरेंस भी बहुत जरूरी होती है। ये थोड़ा सा आप देख लो, ये है हमारी हांसी की गलियाँ। और हमारी चीकू के पापा ना ऐसे रास्ते देख रहे थे, कौन सा रास्ता है, मैंने कहा भूल गए क्या अपने घर को, कह रहे नहीं ये थोड़ा बैक से ना अंदर से आया, वहाँ से जहाँ से बुआ का घर नहीं था, बुआ वाले रोड से आए अंदर से। अच्छा मुझे नहीं पता ना, मैं तो बहुत समय बाद आई हूँ, और वैसे भी मुझे रास्ते यहाँ ऐसे इतने याद नहीं रहते, ज्यादातर इनको याद रहते हैं। तो भाई हॉट सीट पे आ गए हैं अरमान मलिक, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अब गलियां इधर उधर हैं, तो भाई सूरज भाई चला गया पीछे। और क्या ना, हम शहर के बीचों बीच है, ठीक है, तो ये मार्केट है सारी, तो मार्केट में थोड़ा सा रात की मार्केट है, बंद है थोड़ी सी, और मजेदार मार्केट थी हमारी। ये देखो थोड़े नजारे दिखा देती हूँ, और अभी अगर ये थोड़ा दिन के टाइम पे आते ना तो यहाँ भीड़ हो जाती है, क्योंकि ये पहले भी बहुत फेमस थे। फेमस क्यों थे, क्योंकि इनकी यहाँ पे जिम थी, और ये सबको जिम ट्रेनिंग देते थे खुद की जिम में। तो बैठ के लगा लो सर, सर लगाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको आज, मतलब जब कल लोग ब्लॉग देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो भाई हम आ गए हैं, इसको बोलते हैं लालचाड़ी, मतलब यहाँ चढ़ने का ऊपर जाके सारी मार्केट है। और अगर बात की जाए ना, जो हमारा हांसी है ना, मतलब बहुत ही टैलेंटेड लोग रहे हैं यहाँ पे हमेशा, बहुत ही कमाल के लोग। ये शहर ना 70% नशे ने खा दिया, इतनी मौतें हुई है मेरे सामने, मैं बता भी नहीं सकता। तो भाई अभी देखना, ये जो डॉग है ना, ये हमारी गाड़ी के पीछे ऐसे भागेंगे, और आधे डॉग्स ना ऐसे भी मर जाते हैं। यहाँ का मंदिर है, इसके बारे में भी कुछ बता रहे थे आप, क्या मतलब ये ना किसी जगह थी, फिर मंदिर बना दिया। अच्छा। तो आने जाने वाले, मतलब बहुत पुराना मंदिर, अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे थे, 20 साल तो हो गए मुझे देखते हुए। तो गाइस ये है वो गलियां जहां पे चीकू के पापा घूमे हैं छोटे छोटे शॉर्ट्स में, जवानी बचपना से लेके जवानी तक, जवानी तक की गलियां ये है। अगर ये ना गुरुद्वारा साहिब हमारी गली में, हाँ जी ये हमने बनाया था सारा, ये चीकू के पापा ने बनाया, कालू भाई ने बनाया था, मतलब मेरे पापा ने। दिखाती हूं आपको, ये देखो यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये गुरुद्वारा साहिब है, ये सारा ना हम मिस्त्री थे, मतलब हमने कोई पैसे नहीं लगाए, हम काम करते थे यहाँ, ये सारा हमने बनाया था। तो गाइस ये वाला जो मंदिर देख रहे हैं ना आप, ये वही मंदिर है जहाँ हमारी बेटी आती पूजा करने, है ना। चलो चलो डॉगी बोलते हैं। तो भाई देखो आज हमारी गलियों में ना डॉग्स ऐसे भी होते हैं, डॉग्स यहाँ पे पले हुए हैं ना सारे, सब लोग रोटी पानी देते हैं हर घर वाले ना, तो कोई भी इतनी रात को आता है ना, तो ये बहुत के सचेत कर देते हैं कि कोई गली में ओपरा बंदा घुस गया है, और इन्हें ये पता नहीं है कि हम ओपरे नहीं है, हम इसी गली के रहने वाले, इसी गली के वासी हैं। तो चीकू के पापा फोन लगा रहे हैं, देखते फोन उठता है कि नहीं। अरे हटना, स्विच ऑफ है फोन। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हटना एक बार। मेरी पहचान, मेरा खाटू श्याम। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर, और रात का टाइम है। आपको मैं आज ना अपना होम टूर दे ही देता हूं कि मैं कहाँ सोता था, मम्मी पापा कहाँ रहते थे, और इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मतलब अगर हम चाहे ना तो इसको अभी सेल आउट करके चंडीगढ़ रह सकते हैं, पर हमारी जो भाभी है ना उसका दिल नहीं करता यार, क्या करें, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं कि हाँ भाई बस ये यहाँ से निकले, वहाँ चाहे है भाई। पर भाभी का मन इस घर से जुड़ा हुआ है, और बच्चे सारे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं, तो एक वो होता है ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं ना बैठक से शुरू करता हूँ, आ जाओ थोड़ा सा शुरू कर देते हैं यहीं से। तो गाइस यहाँ से हम आते अंदर, और यहाँ घुसते हैं, यहाँ बैठक थी मेरी, मैं यहीं था,
यहीं सोता था और मुझे आउटिंग करनी होती थी तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता था रात और रात, क्योंकि बाहर वाला ताला लगा रहता था, बाहर वाले गेट पे ताला लगा के रखती थी मम्मी, मम्मी के बाद दादी, दादी के बाद भाभी, तो ये वाला जो गेट है हमेशा लॉक रहता था और अभी भी लॉक था, भाभी ने चाबी ला के खोला है, फिर हम अंदर घुसे। तो ये हमारा भैया वॉशरूम है, उसके साथ साथ यहाँ मोटर का रूम, मोटर का रूम है। तो जब हमारे घर पहली बार मोटर लगी थी ना तो हमें लग रहा था यार हम तो बहुत अमीर बन गए, अब तो हम मोटर से पानी भरेंगे। हैं भाई सीढ़ियां से सीढ़ियां हैं, कल आपको अपना मुकुल दिखाएगा ऊपर जाके सारी चीजें। तो यहाँ से फिर हम अंदर जाते हैं किचन, किचन का एक दरवाजा होता था बहुत ही मजेदार लकड़ी वाला, वो टूट गया है, पता नहीं भाभी गुस्से में क्यों तोड़ देती है दरवाजे। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी किचन है, जिस टाइम ये किचन बनवाई थी ना उस टाइम ये बहुत बड़ी किचन लगती थी हमें, हमारी लगता और किचन के अंदर टाइलें। हम नमस्ते बेटा, ठीक है तू अब याद आइए चलो कोई। अरे क्या बात है, क्या बात है, पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी बेटा, ठंड लग रही है। तो उसके साथ साथ एक हमारा बढ़िया सा वॉशरूम आ जाता है, तो इस वॉशरूम में ना एक वो है अंदर नहाने का फुहारा हमने लगवाया था, तो अभी तो क्या ना सारे नीचे बैठ के नहाते हैं हम सारे, तो यहाँ पे एक फुहारा लगवाया था, जब फुहारा लगा था ना तो हम तो वो हाँ फुहारा था, भाभी तो बाद में ही है ना, भाभी ने पहले से लगवाया था, हाँ पहले से फुहारा था तो चला नहीं था ज्यादा दिन, हाँ खराब नहीं आता ना इसलिए। हाँ तो फिर हम आ जाते हैं यहाँ, यहाँ पे क्या था ना यहाँ पे एक दीवार थी, ये अंदर रूम था, यहाँ बरामदा, हाँ वो अंदर रूम था, मम्मी का मंदिर था, इसके अंदर क्या है, कोई कुत्ता उत्ता पाल रखा क्या, भाभी अच्छा मुकुल है, मुकुल वापस जाके सो गया, ठंड लग रही मुकुल को। यहाँ से एक अंदर रूम था जिसमें मम्मी हमारी पूजा पाठ करती थी, यहाँ ये बरंडा था और एक ये रूम है इसमें हमारी माता जी की फोटो रखी हुई है, जीवन माता की, भाभी पूजा पाठ करती है, बहुत पूजा पाठ करते हमारे भाभी। तो ये रूम था जिसमें मैं और मेरी दादी कभी कभी हम यहाँ भी सोते थे और हमें लगता था ये रूम बहुत बड़ा है, आज छोटा लगने लग गया पर उस टाइम बहुत बड़ा रूम लगता था हमें। तो भाई अभी आया है एक सरप्राइज, आजा भाभी आजा फटाफट आजा, तेरे लिए कुछ लेके आए, जल्दी आजा, सरप्राइज है तेरे खातिर, हैप्पी दिवाली। तो मेरे लिए एक ही बात है, कोई बात नहीं मम्मी को ले ले, ले खोल के देख बेटा, अभी तेरे को आगे चलाना है ना, तुझे घर चलाना बेटा, और घर तभी चलेगा जब तेरा फोन चलेगा, समझ गया। चाचा जी थैंक यू, चाचा जी थैंक यू, चाचा जी लाए बेटा, नहीं नहीं लाए थे दोनों, कोई बात तू बस, इसका कवर है, इसका चार्जर की लीड है, खुला हुआ बेटा, खोल के देख ले तू बस, आप करके दो ना, सुबह को करना पड़ेगा, एप्पल आईडी वगैरह बनवानी पड़ेगी, एप्पल आईडी बना देगी, जो थोड़ी आती है तुझे, नहीं आती कोई बात नहीं बेटा, इसमें अपनी वो डाल, सिम डाल और चला, ठीक है ठीक है, ये इसका कवर। अब भाई हवाबाजी मत करियो इसको लेके, पानी के अंदर घुसा था ना तू फोन लेके गया, याद है जब भी खराब हुआ था वो हाथ था तो तभी खराब हो गया था वो, ये कई देर तक पानी बना, एक दो मिनट कर लिया होता है। यहाँ पे बन चुकी है स्पेशल चाय, भाभी के हाथ की तड़के वाली चाय, यहाँ पे पहले हम चाय पी लेते फिर खाएंगे हम भोजन। गुड्डू चाय आ गई, मैं अभी एप्पल आईडी बना दो बच्चे की, बच्चे की एप्पल आईडी मुझे तो आती नहीं, आपको आती है, रिक्वेस्ट है आप सरोज मुस्कान ब्लॉग को देखो, लास्ट सीन लगा रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस घर को देखो हम तो दिन रात बच्चों की हेल्प कर ले, मैं चाहता हूँ ये बच्चे खुद भी अपने पाँव पे स्टैंड हो, बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे, चीजें हैं आप भी थोड़ा बहुत गाइड, थोड़ा सपोर्ट करो, बिल्कुल सपोर्ट की जरूरत है, भाई चलो अब यही है शासन, क्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस गाइज अब ना थोड़ा सा ना इनके ब्लॉग को प्यार देना बहुत ज्यादा, तो बस गाइज अब जाने का समय आ गया, ठीक है भाभी सामान सामान क्या हूँ मैं धागे लेके आई हूँ, तो फिर दे दो मुझे धागे, जल्दी बताओ मैं, गर्मियां मार दी थोड़ा मौसम ठीक हो ठीक, हाँ 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 ठंड में तो बालकों को भी नहीं ला सकते हम, चलो मैं धागे ले लेती हूँ। भैया हमारी भाभी ने धागे दे दिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये गए थे हमारे जो हमारे कुल देवता है अपना द्वास पे, जहाँ पे हम हर महीने धोक लगती है हमारी वहाँ, तो अभी बच्चों को लेके थोड़ा ठंड का टाइम कम हो जाए वहाँ भी धोक मरवानी है, नहीं हम धोक पिछली बार भी हम धोक पे नहीं आ पाए तो भाभी ने जाके वहाँ पे धोक लगा दी थी हमारे नाम से, देखो घर का कोई भी जाए बड़ा जाए तो वो धोक मानी जाती है, तो अब बस थोड़ा ठंड निकल जाए फिर लेके आते हैं तीनों घर चारों। भाभी एक बात तो बता मुझे, कितनी देर बैठे हो रहे पाल, देख ले आधा घंटा 300 किलोमीटर गाड़ी चला के आया सिर्फ इधर तमिलनाडु स्पेशल, कई दिन में ये दिन आया है, पहले आया करता ये दिन, चल कोई बात नहीं पहले भी ऐसे आते थे, क्या करे भाभी काम इतने हो गए ना पूछ मत, कुत्ता खांसन लग रहा है बार, ठीक है भाभी ठीक है ध्यान रखो, चलो छोड़ के आती गाड़ी लगा। तो भाई ये लड़की देखो पीछे सो गई आराम से, सोने के लिए आती है तू, अब तो घर जा रहा है ना, अच्छा इसलिए सो रही हो, मुंह से ज्यादा नाक दिख रही है तेरी, छोटी नाक है ना, अच्छा चुपा लेती हूं। तो भाई पीछे वाली सीट में आराम से सो गई और ये वाली सीट पूरी खाली पड़ी है, महाराजा सीट, ठीक है बस सो जा, अभी हटा के ना मेरी ये एड्रेस हटा के आराम से वो कर लो, नहीं नहीं कोई बात नहीं तू आराम कर ले, ओके गुड नाइट। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 5:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं घर, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।